नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल PPC लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। सबसे पहले हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन देखेंगे कि हम इलेक्ट्रिक सर्किट को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। डेफिनेशन के बाद हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? बहुत जनरल क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। और वो आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने को बोल देते हैं, जिसमें जैसे वो बोल देते हैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रा कीजिए जिसमें एक बल्ब हो, एक एमीटर हो, एक सेल हो और एक की हो। तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रा करने से पहले सबसे पहले जैसे ये है कि बल्ब, एमीटर, सेल, इनको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इनके सिंबल क्या क्या हैं, वो हमें आने चाहिए, वो हमें याद होने चाहिए, हमें अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम एमीटर को कैसे बनाते हैं या एमीटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम सिर्फ यहाँ पे एमीटर को रिप्रेजेंट करेंगे, की को भी हम रिप्रेजेंट करेंगे। यानी एक डायग्राम होता है, सर्किट डायग्राम, जिसमें हम जैसे एमीटर, बल्ब, की, सेल, वोल्टमीटर, इन सबको रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें उनके सिंबल पता होने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट को हम बिल्कुल सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि अ कंटीन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक कंटीन्यूअस और क्लोज्ड पाथ होता है इलेक्ट्रिक करंट का, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। आप बिल्कुल सिंपली समझिए इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। इलेक्ट्रिक सर्किट एक कंटीन्यूअस और क्लोज्ड पाथ है इलेक्ट्रिक करंट का, और इस तरह से हम बिल्कुल सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन को स्टडी करेंगे कि जैसे हमें एग्जाम में दे दिया जाता है व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ड्रा ए डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजिंग ऑफ ए सेल एंड इलेक्ट्रिक बल्ब एंड एमीटर एंड ए की। हमें पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट अभी हमने पढ़ा कि अ कंटीन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट, कि एक कंटीन्यूअस और क्लोज्ड पाथ होता है इलेक्ट्रिक करंट का, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अब हमें एक डायग्राम ड्रा करना है, जिसमें एक डायग्राम ड्रा करना है इलेक्ट्रिक सर्किट का, जिसमें सेल होना चाहिए, इलेक्ट्रिक बल्ब होना चाहिए, एमीटर होना चाहिए और की होनी चाहिए। तो अब डायग्राम को ड्रा करने से पहले हमें इनके सिंबल पता होने चाहिए कि हम एमीटर को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल जनरल देख लीजिए जल्दी जल्दी कि हम एमीटर को किस तरह से ड्रा कर सकते हैं। एमीटर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक साइड पॉजिटिव, एक साइड नेगेटिव। फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब कि इलेक्ट्रिक बल्ब को हम कैसे ड्रा कर सकते हैं। ये बिल्कुल जनरल बता रहा हूं मैं आपको, ऐसे हम इलेक्ट्रिक बल्ब को ड्रा कर सकते हैं। अब है सेल। सेल बिल्कुल सिंपल है, आप जानते भी होंगे, आपने सेल को देखा होगा। जो सेल होता है, जो हम वॉच में डालते हैं अपने घर वाली वॉच में, उसको क्या होता है, उस सेल पे एक साइड पॉजिटिव लिखा होता है, एक साइड नेगेटिव। वही कंसेप्ट यहां पे है, ऐसे हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, एक साइड पॉजिटिव, एक साइड नेगेटिव। तो अब हम इन सिंबल्स का यूज करके अपना डायग्राम बना सकते हैं। आप डायग्राम बिल्कुल सिंपली समझिए कि जैसे सबसे पहले हमने सेल लगा दिया, एक साइड पॉजिटिव, एक साइड नेगेटिव। अब आप की लगा दीजिए, क्योंकि इन्होंने की भी बोली हुई है। अब हम यूज करेंगे बल्ब, ऐसे हम बल्ब को ड्रा कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारा बचता है एमीटर। मैं बिल्कुल सिंपल जनरल आपको समझाने के लिए बना रहा हूं ऐसा डायग्राम। एमीटर में भी हमने देखा था एक साइड पॉजिटिव, एक साइड नेगेटिव। अब आप करंट की डायरेक्शन को दिखा सकते हैं कि जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रहा है। तो इस तरह से हम इस डायग्राम को ड्रा कर सकते हैं। ये है बल्ब, ये है एमीटर, ये है जो यहां पे पूछा गया था हमें सेल, और ये है की। हम इनको लिख सकते हैं, आप इनको लिख दीजिए कि ये एमीटर है, अच्छा रहता है लिखना। ये सेल है, ये बल्ब है, ये की है, और ये डायरेक्शन है करंट की, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो इस तरह से हम बिल्कुल सिंपली समझा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है और हम किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को किस तरह से
ड्रा कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जो इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रा करने के लिए जो जो इसमें बताया गया है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में ये होने चाहिए, जैसे सेल इलेक्ट्रिक बल्ब एमीटर की, तो आपको एमीटर हो गया ये ड्रा करना आना चाहिए। रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं ये आपको याद होना चाहिए, और इस तरह से हम इस टॉपिक को कंप्लीटली बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।